नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात सारे बख्शे जाते हैं जो तौबा कर, मगर कुछ लोगों वास्ते इस रात भी सख्ती है। तवज्जो है ना, उन्होंने नबी पाक ने फरमाया एक जो शिरक करे उन्हें माफी कोई नहीं जब तक कलिमा ना पढ़ लो। दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताल्लुकात नु तोड़न वाला, रिश्तेदारियां ना निभान वाला, भाइयां नाल बहनां नाल मां बाप रिश्तेदार अंग साखा नाल आंढ गवांढ वाले नाल ताल्लुक तोड़न वाला इस रात नहीं बख्शा जाएगा जब तक ताल्लुक जोड़ ना लवे। लिहाजा इस वास्ते साडे बुजुर्ग लोग शबे बरात तो पहले पहले लोगों को माफी मांग लेंगे तो मिल के कहना यार शब रात आ गई है पता नहीं की बनना माफ कर दे। आज रात अगर तुम भी चाहते हो कि बख्शिश हो जाए माफी मिल जाए तो रहमत के हकदार बन जाइए तो देखो अपने खुर में किसी को नाराज तो नहीं किया किसी का हक तो नहीं मारिया कोई नाराज तो नहीं किसी ना ताल्लुक तो नहीं थोड़ी बैठे। अज सूरज के गरूब होने तो पहले पहले उन्होंने मना लिया जे तो माफी मंगे जे ताकि रहमत लैमन आसानी हो जाए। तीसरा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तकब्बुर करने वाला गुरूर करने वाला इस रात माफी नहीं मिलनी जब तक वो तौबा ना कर लवे तो पक्की तौबा ना करे। और चौथा फरमाया कि वालदैन का ना फरमान मां बाप के बेअदब से गुस्ताख ने एक इस रात भी माफी नहीं। फरमा के शराब पीन वाला शराब का आदि आदतन शराब पीन वाला इस रात नहीं बख्शा जाएगा जब तक पक्की तौबा ना कर ले हमेशा वास्ते। एक रवाज फरमाया कि जिना ते इशरार करने वाला जानी नहीं बख्शा जाएगा जब तक पक्की तौबा ना करे। एक रवाज में पढ़िया कि तस्वीर बनाने वाला जानदार की तस्वीर बनाना, और एक रवायत के अंदर मैं पढ़िया कि चुगलखोर चुगली ते गीबत करने वाला इस रात नहीं बख्शा जाएगा जब तक पक्की तौबा ना कर लो। तो आज कोशिश करो कि असर तो मगरिब के दरमियान अगर इन इल्लतां दे विच कोई इल्लत मौजूद है तो उसकी माफी भी मांग लो मखलूक के खुदा नूं भी राजी कर लो ताकि रात में जब इबादत करो तो हाड़ा ते मेरा नाम उन लोगों में शामिल हो जाए जिन्हें इस रात बख्शे जावे। मगरिब तो बाद हाँ जो मैसेज उत्ते तौबा कर रहे थे मैसेज उत्ते माफी मांग रहे कबूल है अगर कोशिश करो। सूफिया ने ते इत्थे तक फरमाया फरमाया जेडे जिस्म दे उज़्ब ना गुनाह कीते ना तौबा भी उहदे नाल कर समझो। अगर जुबान ना किसी ने दुख दिता है तो जुबान ना माफी मांग, अगर हाथ नाल किसी ने गुनाह करके नाराज की बैठा है उहदे कोल जाके हाथ मिला के उहदे नाल हाथ नाल कोई नेकी करके तो उहदे कोल माफी मांग। अगर अख का गुनाह किया है तो अज उहदी बारगाह विच अख दे उच्च अथरू बहा के फिर माफी मांग। यानी जेड़े उज़ब दे नाल गुनाह कीते है तौबा भी उस उज़ब दे नाल कर। सिर्फ लिख के मैसेज करना माफी नहीं। हाँ अगर तेनू लगता है कि मैनू इंज माफी मिल जानी है कोशिश करके वेख लो, मगर अज कोशिश करो कि जाके मुलाकात करके माफी मांगो। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों मैसेज करना दिल में माफी की उम्मीद ना रखना या इस नीयत ना ना करना कि मैं माफी मांग रहा आदतन कर देना ये कबूल नहीं जब तक दिल की नीयत ना हो कि मैं दिलों माफी पे मांगना।